लेकिन ग्लूकोमीटर तो इंतहाई मुफीद कारामद चीज़ है शुगर पेशेंट के लिए, इसलिए कि रोज़ रोज़ तो ब्लड टेस्ट नहीं कराया जा सकता, खून वाला टेस्ट. सो जिस शख्स को शुगर हो गई है उसके लिए ग्लूकोमीटर इज़ द स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग, यानी जो आपने अपनी शुगर पे नज़र रखनी है ग्लूकोमीटर बेहतरीन आला है. किसने कितनी दफ़ा शुगर चेक करनी है, कितनी फ्रीक्वेंटली शुगर चेक, कितने दिनों बाद चेक करनी है, वो आपका आपको स्पेशलिस्ट बताएगा. अगर किसी शख्स की ज़ाहिर है शुगर बहुत हाई जा रही है तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा चेकिंग का बताएंगे. बस हम उससे ये भी कह सकते हैं आपने दिन में 2 दफ़ा चेक करनी है जब तक सेटल ना हो जाए, या दिन में 3 दफ़ा चेक करनी है. किसी की शुगर है जो कि बहुत हाई नहीं है और अच्छी सेटल जा रही है, उसको हम ये भी एडवाइस दे सकते हैं कि भाई आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार ही बस चेक करें. ग्लूकोमीटर आपको अगर आपकी शुगर ज़्यादा हाई जा रही है या ज़्यादा लो हो रही है, दोनों सूरत में आपके लिए बेहतरीन और मुफीद डिवाइस है. अगर शुगर लो हो रही है, अलामत आ रही हैं और आपके पास मीटर मौजूद है, तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई कितनी लो है और उसका आप इलाज कर सकते हैं उसको ऊपर लाने के लिए. अगर आपको कोई आपके शुगर स्पेशलिस्ट ने नई दवाई शुरू कराई और हमने देखना है उस दवाई का कितना असर हो रहा है, तो हम आपको बता देंगे भाई आप हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी अपनी शुगर चेक करें, ताकि हमें अगले कुछ हफ्तों में ये तो पता लगे जो दवाई हमने चेंज की है उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, शुगर नीचे जा रही है कि नहीं जा रही. किसने कितनी दफ़ा चेक करनी है वो स्पेशलिस्ट आपका आपको इंडिविजुअल उस पर बता देगा कि किसको कितनी चेकिंग की ज़रूरत है.